हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, मज़े होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर पाओगे। दोस्तों, यदि आप एक नया यूट्यूबर हैं तो पक्का आप जो है परेशान हो रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको टेंशन भी होगी कि यार अपने यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम कैसे कम्प्लीट करें, आखिर मेरे यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम कब कम्प्लीट होगा। दोस्तों, इन्हीं सब समस्याओं का सलूशन इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये ट्रिक जो है बहुत ही कारगर ट्रिक है, आपको पक्का इससे बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ कि कैसे जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम ग्रो करना कैसे शुरू कर दिया। जी हाँ, लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब मैं इस तरह की लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा तो आप तक मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और फिर चलिए मैं चल के आपको दिखा देता हूँ। वॉइस स्टूडियो पर मेरा एक चैनल है दोस्तों, उस चैनल का नाम है स्पोकन इंग्लिश रामकृष्ण। ये दोस्तों मेरा चैनल है साइंस रामकृष्ण, और वो चैनल है स्पोकन इंग्लिश रामकृष्ण। ओके दोस्तों, वैसे तो मेरे 4-5 चैनल हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको मैं दिखा देता हूँ कि देख सकते हैं आप इस चैनल को। ये चैनल दोस्तों मेरा जो है स्टडी वाला चैनल था, इस पर मैं स्पोकन इंग्लिश बताता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे नीचे वीडियो भी हैं। ओके, तो दोस्तों आप इन सभी वीडियोज़ में देख सकते हैं कि 10, 7, 8, 9, 17, 8, 3, 8, 7, 2 ऐसे व्यूज आए हैं, मतलब कि किसी में अभी तक 20 व्यूज नहीं पहुँचे हैं। ओके, लेकिन दोस्तों यही ये वाला वीडियो देखिए मेरा, आप देख सकते हैं ये वाले को, इसके व्यूज हैं 1218। लेकिन इस पर क्लिक करके अंदर देखते हैं तो इसमें कितने व्यूज आए हैं। दोस्तों, इसमें क्लिक करके अब अंदर देखते हैं तो दोस्तों रियल व्यूज होते हैं जो आपके ये होते हैं, देखिए इन्हें, 1253। अब दोस्तों डेट भी देख लेते हैं कि ये वीडियो कब पड़ा था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वीडियो 7 days 23 hours, यानी कि इस वीडियो को अभी केवल 7 days 23 hours ही पूजे हैं या हुए हैं YouTube पर डाले। और देख सकते हैं मेरे व्यूज 1253 हैं और वॉच टाइम 1317 है, जबकि ये वीडियो मैंने बनाया हुआ था अपना टोटल 2 minutes 21 seconds का। ओके, लेकिन दोस्तों जब आपको वीडियो बनाना है तो आपको कम से कम 3 minutes का वीडियो बनाना है, तो और भी अच्छा रहेगा, आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा रहेगा। अब देख सकते हैं दोस्तों ये वीडियो मेरा रैंक कर रहा है अभी भी, ये देख सकते हैं ये तीर का निशान ऊपर उठा हुआ है, और ये वॉच टाइम में भी देख सकते हैं तीर का निशान ऊपर उठा हुआ है, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन देख सकते हैं दोस्तों आप, ये सही है, मतलब कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन सही है, ज़्यादा ग्रो तो नहीं कर रहा। दोस्तों, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि कैसे जो है अपने यूट्यूब चैनल पर कोई एक ऐसा वीडियो डाल करके और अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं, अपना वॉच टाइम कम्प्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे न केवल आपका वॉच टाइम कम्प्लीट होगा दोस्तों, इस ट्रिक से आपके सब्सक्राइबर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते हैं। दोस्तों, आपको उसके लिए करना क्या है, आ देता हूँ आपको कि दोस्तों आपको करना क्या है। देखिए, आपको एक नई मूवी का वेट करना है, जैसे ही आप YouTube पर सर्च करते रहिए, देखते रहिए कोई नई मूवी हो, और ख़ासकर दोस्तों किसी फेमस हीरो की होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं अक्षय कुमार, सलमान खान ये फेमस हीरो हैं, इन्हें सबको जानता है। और जैसे साउथ में ले लेते हैं तो रजनीकांत और बहुत से हीरो हुए हैं जो तेलुगु में अच्छे अच्छे हीरो हुए हैं। दोस्तों, आपको किसी अच्छे हीरो की मूवी को वेट करना है कि कब इसकी मूवी आए। और दोस्तों, उस मूवी को आपको अपने चैनल पर डालना नहीं है, जी दोस्तों ध्यान दीजिए, डालना नहीं है। दोस्तों, आपको उस मूवी का, जैसे ही आप उस मूवी को देखते हैं कि YouTube पर आ गई है, तो आपको करना क्या है, यदि आपको पता है कि उस मूवी को डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, यदि आपके पास आपको रास्ता मिल गया है उस मूवी को डाउनलोड करने का, तो आप कम से कम 3 minutes का वीडियो बनाइए YouTube पर, और 3 minutes की वीडियो पर आपको बताना कि इस नई मूवी को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और थंबनेल उस वीडियो का अच्छा अट्रैक्टिव बना दीजिए। ओके, आपको मूवी नहीं डालना, आपको एक 3 minutes का वीडियो बनाना है और उस मूवी को डाउनलोड कैसे करते हैं ये बताना है। और यदि आपको मूवी YouTube पर मिल जाती है तो उसकी लिंक भी आपको अपने YouTube वीडियो पर दे देना है। ओके, और दोस्तों दूसरी बात आती है, यदि वो मूवी आपको नहीं मिलती है डाउनलोड करने के लिए, नहीं मिलती है बाई चांस, आपको मूवी देखने के लिए कहीं से मिल जाती है, और आप उस मूवी को अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर लीजिए और एक दूसरे चैनल पर डाल लीजिए यदि आपके पास दूसरे चैनल है, और नहीं है तो
तो आप डुप्लीकेट एक चैनल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और उस पर अपनी मूवी डाल लीजिए। और जो आपको उस मूवी का रिव्यू करना है, 2-3 मिनट का वीडियो, वो आपको मेन चैनल पर डालना है। फिर उस चैनल पर आपको बता करके कि आप कैसे मूवी न्यू मूवी को देख सकते हैं, उस वीडियो पर बता करके उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर आपको इस मूवी की लिंक डाल देनी है। ओके, 3 मिनट का वीडियो कम से कम 1 मिनट देखेगा ही, 1 से 1.5 मिनट देखेगा। तो दोस्तों, आप इस तरह यदि आप कर देते हैं तो आपके व्यूज हमेशा बढ़ते रहते हैं। और लेकिन उन्हें जो ट्रिक है, ट्रिक उन्हें सही बताइए, बिल्कुल करेक्ट बताइए, नहीं तो बाद में फिर लोग गालियाँ भी देते हैं। तो इसलिए आपको करेक्ट एकदम एक्यूरेट वीडियो बनाना होगा, और जो कुछ आप वीडियो पर बताएं तो उसे व्यूवर्स जो है फॉलो कर पाएँ, और आप जो कुछ कहते हैं वो एकदम कही हुई बात आपकी सही होनी चाहिए। तो इतना यदि आप कर लेते हैं तो दोस्तों आपके व्यूज जो हमेशा बढ़ते रहते हैं। ऐसा आपको सिर्फ 4-5 वीडियो डालना है, ऐसा करके 4-5 वीडियो डाल करके आपके व्यूज हमेशा ग्रो होते रहेंगे, और बाकी फिर आपको अपने लाइन पर आ जाना, जो कि उसी उद्देश्य पर आपको अपने फिर वीडियो आगे बनाने लगना है, और 3-4 वीडियो 5 वीडियो डाल करके आपको छोड़ देना है। इससे आपके व्यूज बढ़ते रहेंगे, वॉच टाइम बढ़ता रहेगा। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपने मेरे वीडियो से कुछ सीखा है। तो दोस्तों यार, एक लाइक करिए, और यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और घंटे के बटन को भी दबा लीजिए। इससे होगा क्या, जब भी मैं यूट्यूब पर नए नए वीडियो अपने अपलोड करूँगा इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी वाले, तो आप तक मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।